बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मददगार और मैं हूँ आपके साथ मुकद्दस वकार। आज हम आरजू को यहाँ लेके आ गए हैं डॉक्टर के पास, और पिछले हफ्ते डॉक्टर ने हमें टाइम दिया था कि आप एक हफ्ते के बाद आरजू को यहाँ ले आएँ और आरजू की जो है वो पूरी टांग जो है वो लग जाएगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉक्टर के पास आ चुके हैं और डॉक्टर कुछ और मरीज़ों को चेकअप कर रहे हैं। तो वो जैसे ही आते हैं और इसको चेक करवाएंगे और आगे जिस तरह से वो हमें डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह से इसकी केयर करनी चाहिए और कब तक ये चलने लग जाएगी। डॉक्टर साहब जो है वो किसी और पेशेंट को चेक कर रहे हैं जैसे ही वो आते हैं, और फिर हम आरजू को चेक करवाते हैं और आरजू से भी बात करते हैं। आरजू आज कुछ परेशान सी मुझे लग रही है। और आरजू क्यों परेशान हो आप? वैसे क्या प्रॉब्लम है, कोई मसला हो रहा है कि हाँ मेरे क्या मेरे साथ क्या होगा? हाँ टेंशन नहीं हो रही? नहीं हो रही, शक्ल से तो लग रहा है मुझे। कोई टेंशन नहीं है नहीं। तो आप लगवा लोगी? ठीक है, वाह जी वाह। आरजू के पास अच्छा जूता नहीं था कि ये जूता अच्छा पहन के जो है वो आ सके। आते हुए हमने इसके लिए जूता भी ख़रीदा है ताकि जब इसके वो जो टांग लग जाएगी उसके बाद जो है वो जूता प्यारा सा जूता पहने और अपने एक नई जो है वो एक ज़िंदगी का एक अपने एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। आप सबकी दुआएं इस बच्चे के साथ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे और ये अपनी इस टांग के साथ जो है वो अपनी एक पूरी ज़िंदगी, क्योंकि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस टांग के साथ ही गुजारनी है, तो ये जल्दी इसे चलने लग जाए। और आरजू से भी बात करते हैं और आरजू से भी पूछते हैं कि आरजू को जूता कैसा लगा है। अच्छा ये बताएं जूता कैसा लगा आपको? अच्छा, अच्छा लगा है, प्यारा लगा है, पहना हुआ अच्छा लग रहा था ना जी। वो हमने इसके लिए बहुत सारे जूते देखे थे और हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरकार फिर वो पठान भाई थे उन्होंने बहुत तावन किया हमारे साथ और फिर आखिरकार हमने इसका जूता ले लिया। अब जो है वो पूरी आपसे डिटेल शेयर करेंगे जैसे हम इनकी टांग लगाएंगे और पूरा जो है वो प्रोसीजर जितना भी होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। एक जूता आरजू ने पहन लिया है और दूसरा जो इनके टांग लगानी है वो जूता डॉक्टर्स ले गए हैं, और अब वो जूते के साथ क्या करेंगे, शायद उसके साथ अंदर रख के फिट वगैरह करेंगे। तो वो ले गए हैं और एक आरजू ने पहन लिया है। आरजू डर तो नहीं लग रहा है? माशाल्लाह आरजू हमारी बड़ी बहादुर है और बड़े मज़े से बैठी हुई है, कोई टेंशन नहीं है हमें। और जब टांग लग जाएगी तो फिर जब चल लोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगी, चल लोगे हैं? चल लोगे फिर? उतारनी तो नहीं है ना? नहीं, उतारना नहीं है उसको, ठीक है चलें जी। अब जूता चला गया है, अब जब वो इनकी टांग लगाएंगे तो फिर आपसे बात करते हैं। ऊपर कर लो टांग, टांग ऊपर करो, इस साइड पे करना। अच्छा तो सर ये बताएं कि ये कब उतार सकती है ये? जब मर्जी उतार सकती है। जब मर्जी उतार ले तो वाशरूम जब जाएगी तो तब तो मसला होगा। जब वाशरूम जाया करेगी तो खड़े हो, सीधे हो जाना। हाँ लगाओ टांग नीचे, वजन दो इसको, वजन दे ऊपर, ऐसे ऐसे सीधे सीधे खड़े हो जाओ, सीधे ऐसे खड़े हो, ऐसे ऐसे। ये बड़ी लग रही है आपको? हैं लग रहा है मुझे, हैं ठीक है, देख लो आप चल लोगे हैं? मुझे तो लग रहा है जैसे ये वाली बड़ी थोड़ी सी और टेढ़ी से खड़ी हुई हो आप, सही तो खड़ी नहीं हो। इसको पकड़ो, अब खड़े हो, इसको वजन दो, इस वाली टांग पे वजन दो, इस वाली टांग पे। आप कैसे ले रहे हो? ठीक है पहले ठीक था, ठीक है पहले ठीक नहीं था, आपने कहा पहले भी कहा था ठीक है। चुप बोल है। बॉल ये वाला उठाओ, ये यहाँ रखो, अब इसको रखो, और को अब देखो, अब ठीक है पहले ठीक था, अब भी ठीक है, ये तो कहानी खराब होगी फिर। अब ये छोटी हो जाएगी फिर बड़ी कौन करेगा? बिना सही सही बताओ, आपको अब वजन देख बताओ किस पे सही तो लगेगा? पे वजन नहीं दे रहे आप, इस पे नहीं वजन दे रहे, सीधे खड़े हो ऐसे करके, ऐसे आप नहीं गिरते, ऐसे खड़े हो ठीक है,
सामने देखो मेरी तरफ, सीधा सीधा ऐसे। अब सही लग रही है। और तुम बताओ कैसा लग रहा है अब? ठीक लग रहा है। अब ठीक है। पता भी टेढ़ी सी क्यों लग रही है, खड़ी भी पीछे से ना, वजन नहीं दे रही ना। अच्छा सही। शुरू में है, बाद में अगर कोई इशू होगा तो बाद में छोटी की जा सकती है। अगर अभी छोटी कर दें फिर बाद में बड़ी करने के लिए फिर उन्हें इसे वापस देना पड़ेगा। सही। चले कोशिश करनी है आपने। चले चलाओ, चलो ऐसे नहीं, उसके इस पे वजन दें। ऐसे ऐसे शाबाश। काम का इशू काम टेढ़ा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम बनेगा इसको। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, वो बस में वो चाबी पे सीधी होकर रखी गई टांग ना, तो वो सीधी हो नहीं होगा, वो साइड जो वो टेढ़ी थी ना, हाँ इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना। क्योंकि अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा अटैच करते हैं ना और मजीद इजाफी लगाते हैं तो ये बच्चे के लिए वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। वजन तो भाई इसको इस पे वजन देंगे तो चलेगा? ऐसे तो पहले भी चलती थी आप। ले आप देखो। हां अब ये नहीं कुछ। अच्छा कोई देर इसको प्रॉब्लम होगी वो मुझसे फोन पे टाइम लेके आ सकता है। ठीक है आज 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 चलना है, अभी चलना है। इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए है ना, घर में भी प्रैक्टिस हो जाए इसकी, फिर सही होगी। घर में बच्चा और डर से भूल जाएगा। बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। बच्ची की कोशिश है कि मैं अपनी लेग को सीधा करके फ्रैक्चर लूँ, लेकिन वो बस प्रॉब्लम जो हो जाएगा ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाएगा। चलें इंशाल्लाह। और यही बच्ची आपको भागती नजर आएगी। हाँ हम तो चाहते हैं ऐसा ही हो इंशाल्लाह। ठीक है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसको लगाने का तरीका? हाँ जी। इस पे केमिकल भी डालना यार। ये सॉक्स में एक और दे देता हूँ आपको बाद में एक्स्ट्रा। ठीक है। अगर ये सॉक्स खराब हो जाती है तो बाजार से कोई बाजार तोलिए वाली मोटी सॉक्स मिलती है। अच्छा। लोग पांव पे पहनते हैं। जी जी बिल्कुल। वो ले लीजिएगा। सही है। ये इधर ऐसे, ये बेटा देख लो जैसे पहननी है आपने, तो ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा लूज इसलिए रखवाया है कि ताकि बच्ची का ना ये हिस्सा जो है ना यू जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैं समझ गई। बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है ये जी। ये इधर इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक हो गया। सही है। ठीक है। हाँ जी। इसके बेल्ट आ जाएगा। अच्छा बस चले आर2 की टांग माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है और डॉक्टर्स ने बताया कि इसके अंदर जो है केमिकल डाला हुआ है उन्होंने, और केमिकल वाकई में मुझे भी नज़र आ रहा है और बहुत गाढ़ा है। वो कहते हैं ये सूख जाएगा, जैसे ये अंदर सूख जाएगा तो कल से जो है इसको पहनाना हम स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द, और डॉक्टर ने बताया है तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अगर ये प्रैक्टिस ज़्यादा करेगी तो ये दौड़ने लग जाएगी। तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आर2 जल्द से जल्द जो है रिकवर हो जाए और ये तलने लग जाए। और ये जो है इसके अंदर डालना है, और क्योंकि ये इसका बताएगा इसके साथ उन्होंने कहा कि ये टेढ़ी है, अगर ये सीधा होता तो प्रॉब्लम ज़्यादा ना होती, इसलिए ये जो है इनका सपोर्ट देगा, फिर ऊपर से ये टांग लगेगी। और ये जो है सॉक्स है ये उन्होंने 2 दिए हमें, और अगर ये ख़राब हो जाती हैं तो हम फिर और ले लेंगे। तो ये जो है जूता उन्होंने पहना दिया है, क्योंकि एक जैसा जूता उन्होंने कहा था लेके आना, तो हमने जो है वो ये देखें, ये देखें इस तरह से ये
लगेगी। जब बिल्कुल जब पहनने लग जाएगी तो इसके ऊपर जब आपके जो है वो ट्राउज़र आ जाया करेगा ना, तो महसूस ही नहीं हुआ करेगा कि ये टांग कोई और लगी हुई है। तो इंशाल्लाह आपने प्रैक्टिस करनी है आरजू, ठीक है? मम्मा से कहना है, भैया से कहना है, घर में जो भी लोग होंगे उनसे कहना है कि ये जो है इनकी प्रैक्टिस करवाएं। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा डॉक्टर ने इनको पकड़ पकड़ के वो आगे लेके जाते हैं, और जो उन्होंने जो है वो पकड़ के इनसे प्रैक्टिस करवाई है। तो वो इन पे ही डिपेंड करता है कि जितना ये ज़्यादा करेंगे तो इतनी जल्दी चलने लग जाएंगे। तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने उन सब बहन भाइयों का जिनका हमारे साथ है, जो हमें सपोर्ट करती है, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और कोई भी मेरा बहन भाई इस तरह के और नीडी पीपल्स की हेल्प करना चाहता है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उसका रब्ता कर सकते हैं। और ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।